ऑल्सो गिव हाउसिंग लोन्स फॉर पीपल, जैसे कि एक सोसाइटी है उसमें उनके लड़के के लिए नया फ्लैट लेना है, तो मुंबई बैंक उसको हाउसिंग लोन अलग से दे सकती है। यस, ये एक बहुत अच्छा सवाल, सो वेरी गुड एक्चुअली। ये अब जैसे मैंने कहा कि कई सारी सोसाइटीज हैं, जैसे मैंने कहा कि आइदर वो ओवर एंड अबव एग्जिस्टिंग प्लस फ्री एरिया, कुछ एरिया डिस्काउंट परचेज करना चाहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, हमारा एग्जिस्टिंग 500 स्क्वायर मीटर का आज का स्क्वायर फुट का आज का हमारा फ्लैट है, और 30% अगर फ्री एरिया सोसाइटी डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिबिलिटी हाउ मच इट अलाउज, 30% लेते तो 650 का एरिया हर मेंबर का फ्री हो गया 30% के हिसाब से। और अगर उस मेंबर को अब और एक 150 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा एरिया परचेज करना जो सोसाइटी डिस्काउंट रेट से देना चाहती है, तो उसके लिए बैंक उसे लोन दे सकती है। वहां पर ओरिजिनल जो मेंबर होगा सोसाइटी का वो ऑब्वियसली रिटायर्ड या क्योंकि उनकी भी एज हुई होगी, सो यहाँ पर हमने को एप्लीकेंट अनमेरिड डॉटर हो या फिर उनका सन हो उनको हमने कंसिडर किया है, वो ज्वाइंट एप्लीकेंट हो गए और एक्स्ट्रा एरिया परचेज करने के लिए बैंक उनको भी लोन दे सकती है। हाउसिंग लोन लेना है तो हाउसिंग लोन भी बैंक दे सकती है उनको, उस वक्त उनका फ्लैट मॉर्गेज होगा क्योंकि वो अब इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोन लेना चाहते हैं, आइदर फॉर एक्स्ट्रा एरिया एट अ डिस्काउंट रेट और फ्लैट एट अ डिस्काउंट रेट। बट यहाँ पर हमारी अपर कैप है हाउसिंग लोन के लिए 30 लाख ही है, तो ये इश्यूज आते हैं। तो एक्स्ट्रा एरिया के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन आए, दो चार हम लोगों ने केसेस कराए भी है, 22 लाख 18 लाख की उनकी एक्स्ट्रा एरिया की रिक्वायरमेंट थी, हम लोगों ने कंप्लीट कराई है। इवन हम टेक ओवर भी करते हैं लोन, दो तीन जगह केसेस में हम लोगों ने लोन टेक ओवर भी की है क्योंकि उनके कुछ आउटस्टैंडिंग हार्डली 10 to 15 लाख है, तो हम लोगों ने हाउसिंग लोन टेक ओवर करा कि ये भी हमने प्रोविजन कर रखी थी उनको कि टॉप अप देके एक्स्ट्रा एरिया के जरिए वो ले सकते हैं। सो 30 लाख ये हमारी अपर लिमिट है।